हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से नई वीडियो के साथ में, अपने पास है महिंद्रा का वाईफाई डिवाइस जो यूएसबी केबल और वाईफाई दोनों से चलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे माइक्रो यूएसबी के लिए पोर्ट दिया हुआ है, 16 पिन सॉकेट दिया हुआ है और ये वाईफाई से भी चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या काम होता है मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप महिंद्रा का मोस्ट ऑफ सभी गाड़ियाँ स्कैनिंग कर सकते हो और लेटेस्ट वर्जन सॉफ्टवेयर चलेगा आई स्मार्ट 11.1.17 और फिर आई फ्लैश में 9.5 चलेगा एंड आई सिक्योर में 3.3 और फ्लैशिंग भी मोस्ट ऑफ सभी गाड़ियों में करेगा। एक गाड़ी का एक ECM का फ्लैशिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करता है 1639, उसमें ये फ्लैशिंग नहीं करेगा और स्कैनिंग में कभी कभी किसी गाड़ी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है 1639 वाले में। ठीक है, तो अब मैं इसका आपको आई स्मार्ट का इंस्टॉलेशन बताऊंगा और उसके बाद में ये कैसा चलता है उसके कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि ये कैसा दिखा रहा है। ठीक है, ये है वाईफाई डिवाइस, तो इसको मैं साइड में रखता हूँ और अपने करते हैं इंस्टॉलेशन ऑन। स्मार्ट लेटेस्ट वर्जन, प्राइस बहुत ही इसका लो है कंपेयर टू गरुड़ा 2, लेकिन गरुड़ा 2 में एडवांटेज ये है कि आप 1639 का भी कोडिंग कर सकते हो। इसमें आप 1639 से कोडिंग नहीं कर सकते, यही एक डिसएडवांटेज है। बाकी का सस्ते में है, आप यूज़ कर सकते हो महिंद्रा का OEM सॉफ्टवेयर और बहुत ही सस्ता है, तो इजीली परचेज कर सकते हो आप इस चीज़ को। चलो आगे, ये मैं इंस्टॉलेशन का आपको दिखाता हूँ। यस, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्ट सेटअप शॉर्टकट इंस्टॉल। अभी ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगाएगा। ठीक है, तब तक मैं और इसके कुछ जानकारी दे देता हूँ। आप इससे विन चेंज डेल्फी 2.5 का ECM वो सभी फुल स्कैनिंग कर सकते हो। ABS हुआ, एयरबैग हुआ, फिर चाबी कोडिंग का हुआ, वो सब आप कर सकते हो। एक बस एक बैक ड्रो है जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया है 1639 का, बस एक ही काम नहीं हो रहा है, बाकी सब तो काम हो रहे हैं। और अगर प्राइस देखी जाए तो गरुड़ा 2 बहुत ही महंगा है और उसके कंपेयर में वो उसके हाफ प्राइस का भी नहीं है ये, तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चॉइस है और फास्ट भी है कोडिंग और स्कैनिंग में कंपेयर टू अदर टूल, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो अभी मैं आपको इंस्टॉलेशन के बाद का कनेक्ट करके दिखाता हूँ। मैं आपका ये जैसे इंस्टॉल हो जाएगा आपको एक्टिवेशन मांगेगा, वो एक्टिवेशन हम इस सॉफ्टवेयर को भी देते हैं, अगर आपको चाहिए हो तो मिल सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो इसके इंस्टॉलेशन होने के बाद मैं आपको वापस वीडियो दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है, हमारा ये स्मार्ट इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, जैसे मैं इसको चालू करता हूँ, यस, हेलो फ्रेंड्स, अभी हम महिंद्रा वाईफाई डिवाइस के साथ में महिंद्रा गाड़ी के अंदर, तो मैं डिवाइस गाड़ी में लगाता हूँ और ये हमारा सॉफ्टवेयर चालू है, मैं आपको चेक करके बताता हूँ। ये हमारा सॉफ्टवेयर, इंजन मैनेजमेंट, पावर ट्रेन का फॉल्ट है मेरे में,
ठीक है, फिर यहाँ पे आप एक्चुएटर ने वो सब भी देख सकते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं डायग्नोसिस मोड सीजन, डायग्नोसिस सीजन। ओके, ये हमारा हो गया महिंद्रा का। ठीक है, यहाँ फिर लाइव डेटा, गाड़ी बंद है फिलहाल। ओके, यहाँ से हम एग्जिट करते हैं। इमोबिलाइजर का भी दिखाता हूँ मैं आपको। इमोबिलाइजर का चालू कर लेंगे। ये इमोबिलाइजर का हमारा चालू हो गया। गाड़ी सिलेक्ट कर लो, आपको इंजन सिलेक्ट कर लेना है। तो वैसे इंजन सेलेक्ट करिए, इमोबिलाइजर का भी काम हो जाएगा आपका, और आप फ्लैशिंग भी कर सकते हो। हाँ, मैंने जो आपको बताया है फ्लैशिंग का इश्यू, जो 1639 में नहीं करेगा, वो इश्यू है इसके अंदर अभी भी, तो वो काम नहीं करेगा। बाकी उसको छोड़ के काम कर देगा। यहाँ पे के लाइन, ये देखिए ग्रीन आ गया। यहाँ से जैसे ही प्रोसीड करेंगे तो आगे का काम होने लगेगा। ओके, ये भी काम कर रहा है। ऐसे ही आई फ्लैश भी काम करेगा आपका, और कुछ टूल्स हैं वो भी काम करेंगे, जैसे कि 1755 का टूल आता है, फिर बाकी के एक दो टूल और आते हैं। और ये हमारा वाईफाई से कनेक्टेड है, नो वायर इन लैपटॉप। सस्ता है, अच्छा है।